ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ನಿಗಮಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಘುನಾಯಕ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯ ಸಿಂಧೂರ ಚರ್ಚಿತ ಕಲೇವರ ನೇಷ್ಠಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಹನುಮನ ಹರ ಸಂಕಟಂ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या अत्यंत पावन नगरी है जहां सरयू नदी बहती है। यहां श्रद्धालु दूर दूर से स्नान कर अपने पाप धोने आते हैं। यह स्थान भगवान राम का राज्य है जहां उनके परम भक्त हनुमान वास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति तिवारी और आप देख रहे हैं देवदर्शन। ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಘುನಾಯಕ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯ ಸಿಂಧೂರ ಚರ್ಚಿತ ಕಲೇವರ ನೇಷ್ಠಿ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಹನುಮನ ಹರ ಸಂಕಟಂ ಮೇ। हर कोई अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन पाना चाहता है, लेकिन भगवान श्री राम के दर्शन से पहले लेनी होती है उनके परम भक्त हनुमान की आज्ञा। यहाँ 76 सीढ़ियों का सफर तय कर भक्त पवन पुत्र के सबसे छोटे स्वरूप के दर्शन पाते हैं। तो यहाँ से जुड़ी कई ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं जो अयोध्या धाम को बनाती हैं पावन धाम। साथ ही इस नगरी में वर्षों से ऋषि मुनि तप साधना व आराधना करके प्रभु के पावन धाम को प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित है अयोध्या नगरी। अयोध्या में लिया था भगवान श्री राम ने जन्म। यहाँ विराजते हैं श्री राम लला। बजरंग बली के नाम से प्रसन्न होंगे श्री राम। भगवान का बाल रूप देगा मनचाहा वरदान। अयोध्या नगरी में श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने जन्म लिया। अयोध्या नगरी श्री राम की बाल लीलाओं की भी साक्षी है। साथ ही ये नगरी एक अन्य कारण से भी विख्यात है। मान्यता है कि श्री राम के अलावा यहाँ ऋषि मुनियों के तप स्वरूप 7 प्राकट्य और भी हुए। साथ ही इस पावन नगरी में कनक भवन और रागेश्वर नाथ मंदिर का भी विशेष स्थान है। आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या अति प्राचीन धार्मिक नगरी है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कौशल देश के नाम से विख्यात थी। साथ ही ये नगरी हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। पुराणों में इस नगर की तुलना स्वर्ग से की जाती है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना महाराज मनु ने की थी। ये नगरी पवित्र नदी सरयू के तट पर 144 किलोमीटर लंबाई और 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी। पतित उदारन जग जन तारन पतित उदारन जग जन तारन नित्य निरंजन सीताराम बोलो दशरथ नंद। अयोध्या नगरी कई वर्षों तक सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रही। श्री राम की नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। अयोध्या नगरी में न सिर्फ हिंदू मंदिर बल्कि बौद्ध मंदिर भी प्रचलित हैं। वर्तमान अयोध्या में सीता रसोई तथा हनुमान गढ़ी मुख्य रूप से पूजी जाती है। सुर मुनि बंदन त्रैताप खंडन सीताराम बोलो
जग सुख कारण जग जन पालन। इस पवित्र नगरी में वर्ष में तीन मुख्य मेले लगते हैं। ये मेले मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त तथा अक्टूबर, नवंबर के महीनों में लगते हैं। जग जन पालन संतन जीवन सीताराम बोलो। अयोध्या में स्थित कनक भवन यहाँ के मुख्य मंदिरों में से एक है। सत्य सनातन मंगल कारण। इस मंदिर में श्री राम व माता सीता अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सत्य सनातन मंगल कारण। मंदिर को सोने का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान राम और माता सीता स्वर्ण मुकुट पहने विराजे हुए हैं। यहाँ स्थित श्री राम सीता का विग्रह सुंदरतम विग्रह में से एक माना जाता है। भगवान का ये विग्रह भक्तों का मन मोह लेता है। मंदिर प्रांगण में सभी उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो यहीं स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर भी काफी मान्यता रखता है। राम ही पावन अति मन भावन नर नारायण सीता राम बोल। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने करवाया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया। ये बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला, जिसे कुश से प्रेम हो गया। वो नाग कन्या भगवान शिव की परम भक्त थी। कुश ने उसके लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही इस मंदिर को एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जो विक्रमादित्य के काल से भी अधिक पौराणिक है। मंदिर प्रांगण में शिवरात्रि की अलग ही छटा देखने को मिलती है। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है देव दर्शन में। अयोध्या नगरी में श्री राम का राज आज भी चलता है, तो इसी नगरी में स्थित हनुमान गढ़ी में विराजते हैं भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान। हनुमान गढ़ी से जुड़ी मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया। साथ ही ये अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान जी का दर्शन पूजन करना होगा। श्री राम कथा हो जहां जहां रहते हैं श्री हनुमान वहां। कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी ही बार बसी और उजड़ी, फिर भी एक स्थान जो सदैव अपने मूल रूप में ही रहा वो है हनुमान टीला, जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस
किले तक पहुंचने के लिए भक्त 76 सीढ़ियों का सफर तय करते हैं, जिसके बाद दर्शन होते हैं पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच प्रतिमा के, जो बाल रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। नगर के केंद्र में स्थित हनुमानगढ़ी में विराजते हैं हनुमान जी, जिन्हें वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। हनुमान जी यहाँ गुफा में विराजते हैं तथा यहाँ विराजकर राम जन्मभूमि तथा रामकोट की रक्षा करते हैं। यहाँ माता अंजनी के पुत्र की महिमा हनुमान चालीसा की चौपाइयों के रूप में मंदिर की दीवारों पर सुशोभित है। कहते हैं कि हनुमान जी के इस दिव्य स्थान का महत्व किसी धर्म विशेष में बंद कर नहीं रहा, बल्कि जिस किसी ने भी यहाँ जो भी मुराद मांगी, हनुमान लला ने उसकी इच्छा अवश्य पूरी की। कहते हैं कि एक बार नवाब का पुत्र बीमार पड़ गया। पुत्र के प्राण बचाने का जब कोई रास्ता नवाब को न सूझा, तो उसने बजरंग बली से उसके पुत्रों की रक्षा करने हेतु प्रार्थना की। संकट मोचन ने नवाब के पुत्र को जीवन दान दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ताम्र पत्र पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम हितारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम हितारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सारे धनी पानी सारे रे 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 गा रे रे धनी पानी सारे मसारे मापादा मापा मरे मरे धग रे सारे मसारे मापादा मापादा सारे सारे सदा सदा मधा मधा मरे मरे सा। राम बिना राम कहाँ है, सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, प्रभु से प्रीत लगाए जा, राम रमैया गाए जा, प्रभु से प्रीत लगाए जा, राम हितारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवदर्शन में।
हनुमानगढ़ी में स्थित रामकोट के मुख्य द्वार पर स्थापित हनुमान लला का भव्य रूप भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है, तो यहीं आज भी स्थित है लंका विजय के प्रतीक चिन्ह। लंका विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान भी इसी हनुमानगढ़ी में आज भी स्थापित है। और जगह जगह पर उनकी पूजा आराधना की जाती है। होली से ठीक पहले रंग भरी एकादशी उन खास दिनों में से एक है जब ये निशान बाहर निकाले जाते हैं और भक्त इनके दर्शन करते हैं तथा इनकी आराधना करते हैं। यहीं से साधु संतों की होली के साथ देश भर में होली की शुरुआत होती है। यहाँ हनुमान लला के दर्शन करने और उनकी आराधना करने का एक निश्चित समय है। मानना है कि विशेष मुहूर्त में पवन पुत्र की आराधना से भक्तों की हर इच्छा पूर्ण होती है। दुनिया भर से आने वाले भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। सर्व विदित है कि बजरंग बली ने भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव की मित्रता कराई और फिर वानरों की मदद से राक्षसों का मर्दन किया। उसी प्रकार पवन पुत्र महावीर भक्त की हर बड़ी से बड़ी समस्या का निदान आसानी से कर देते हैं। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ विशेषता के आधार पर हनुमान जी के हनुमानगढ़ी स्थित इस मंदिर की मान्यता पौराणिक है, जिस कारण यहां भक्तों का सैलाब दिखाई देता है। कलयुग के जीवित देव हनुमान बाबा भक्तों की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं तथा उनके कष्टों का निवारण अवश्य करते हैं। साथ ही भगवान श्री राम के नाम के उच्चारण मात्र से श्रद्धालु बजरंग बली के कृपा पात्र बनते हैं। हनुमान जी के लाखों मंदिरों में सबसे ज्यादा यहाँ की अपनी खास विशेषता है, जिसके चलते यहाँ हनुमानगढ़ी अयोध्या में हनुमान जी के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मना।
आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न जाके रोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बार न लाए लंका जारी असुर संहारे लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज संवारे सिया राम जी के काज संवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनी संजीवन प्राण उबारे आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी पैठी पाताल तोरी जमकारे अहिरावण की भुजा उखारे अहिरावण की भुजा उखारे बाए भुजा असुर दल मारे ताइने भुजा संतन जन तारे। फिलहाल देवदर्शन में बस इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे और करेंगे एक अन्य देव स्थान की चर्चा और जानेंगे उस स्थान का इतिहास। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बोधे राजाधिराज रघुनायक मंत्री वर्य सिंदूर चर्चित कलेवर नेष्ठि केंद्र श्री राम दूत हनुमन हर संकटम्।